राजस्थान इंटेलिजेंस द्वारा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सरहद के तहत मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल जासूसी के मामले में भारतीय सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। आरोपी जवान का नाम शांति मोय राणा है और वह 24 साल का है। वह राजस्थान में पदस्थापित था और उसे दो महिलाओं ने हनी ट्रैप में फंसाया था। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी रेजिमेंट से संबंधित गोपनीय जानकारी और सेना अभ्यास के वीडियो कथित महिलाओं के साथ साझा किए। मिश्रा ने कहा, आरोपी कुछ समय से राज्य पुलिस की खुफिया शाखा के रडार पर था और इसे 25 जुलाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। वह एक पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था, जिसने अपना परिचय गुरनूर कौर उर्फ अंकिता के रूप में दिया। निशा नाम की एक अन्य महिला भी उसके संपर्क में थी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने कहा कि एक महिला ने उसे बताया था कि वह उत्तर प्रदेश में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में तैनात है, जबकि दूसरी ने उसे बताया कि वह मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से है। उन्होंने कहा, महिलाओं ने उसे फंसाया और उससे जानकारी मांगी। सिपाही ने अपने रेजिमेंट से जुड़ी गोपनीय जानकारियां और सेना के अभ्यास से जुड़े वीडियो शेयर किए। इसके बदले में उसे पैसे भी मिलते थे। बता दें कि राणा मार्च 2018 से भारतीय सेना में तैनात है और वह काफी समय से व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से महिला पाक एजेंट के संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।